हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 16 सितंबर है। हमने कल 15 सितंबर का इतिहास बताया कि 15 सितंबर को मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ, जो भारत के प्रथम इंजीनियर थे। और 15 सितंबर को हम उनके याद में 1968 से नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। जब भारत के कई सारी आर्थिक योजनाएं बनने लगी, इवन आज़ादी से पहले, तो याद रखिएगा यूपीएससी में एक पार्ट आता है इकोनॉमी में, द इकोनॉमिक प्लान बिफोर फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो उसमें सबसे पहला जो इकोनॉमिक प्लान होता है 1934 में, दैट्स नोन विश्वेश्वरैया प्लान या विश्वेश्वरैया इकोनॉमिक प्लान। इसका एक्चुअल नेम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इट मीन्स विश्वेश्वरैया इकोनॉमिक प्लान। तो ये 15 सितंबर का महत्व था। मैं आज 16 सितंबर है और मैं आपको ले जाऊंगा बहुत पीछे। आज है वर्ल्ड ओजोन डे, यानी वर्ल्ड O3 डे, विश्व ओजोन दिवस। रिमेंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है, 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ ओजोन लेयर के डिप्लिटेशन के ऊपर अवेयरनेस के लिए। यानी जो ओजोन की परतें क्षय हो रही है उस पर अवेयरनेस के लेकर के एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इसलिए इसका नाम है मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन ओजोन लेयर डिप्लिटेशन। रिमेंबर कब? 16 सितंबर आज, बट 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। पॉइंट क्लियर, ये ध्यान में रखना। अब सवाल क्या हुआ? तो चिंता जाहिर की गई और कुछ वर्क ऐसे किए गए कि जिस पर ध्यान रहे कि ओजोन लेयर के डिप्लिटेशन ना हो। यानी जितने भी CFC ग्रेड के गैस है, क्लोरोफ्लोरो के, उन सब पे प्रतिबंध लगाया गया। धीरे 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 हर देश को दिया गया एक डाटा, एक वर्क कि धीरे धीरे आप इसे कम करिए। यानी ध्यान में रखना है जिससे ओजोन लेयर का डिप्लिटेशन होता है उन गैसों का उत्पादन कम करना, यूज कम करना। तो CFC की जगह अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया और इस तरह से काम चल रहा है। कुल मिला के मेरा कहना है कि आज क्या है, विश्व ओजोन दिवस। इसका संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1987, कनाडा मॉन्ट्रियल शहर। पॉइंट क्लियर। रिमेंबर एक बात खास, ओजोन लेयर, आप भी जानते हो ओजोन गैस कैसा है, स्मेललेस है ना, यानी गंध नहीं होता, कलरलेस यानी रंग नहीं होता, तो रंगहीन है, गंधहीन है, ठीक है। वाटर प्यूरिफायर, ये वाटर को प्यूरिफाई भी करता है और इसकी अपनी ओजोन लेयर की प्रासंगिकता है, हम और आप सब जानते हैं। बस मेरा उद्देश्य यही है कि 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, उसके पीछे का इतिहास क्या है। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे इसके पीछे का इतिहास क्या है। बाकी ओजोन लेयर के लिए आपको भी मालूम है क्या क्या नहीं कहते हम। ये हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी लगभग 30 किलोमीटर की मोटाई में, परत में, ये ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है, ठीक है ना, जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, स्टक करती है, रोकती है और उसको अपर लेयर एटमॉस्फेयर में ही भगा देती है, छोड़ देती है, आने नहीं देती है और इस तरह से फिल्टर्ड होकर के नीचे जो आता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो हानिकारक रेज हैं वो धरती पर आने से रुक जाता है, जिससे हमारा जीवन काफ़ी खुशहाल होता है, फसल चक्र बनी रहती है। अगर ऐसा हो कि ये फिल्टर जो है, जो प्लेट है एक तरह से देखा जाए, जो 30 किलोमीटर मोटाई का, वो धीरे 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 जालीनुमा होकर के, जैसे ये टाइप में धीरे 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 उसमें छिद्र हो जाते हैं और फिर ये गैसेस आ जाते हैं, ये रेज आ जाते हैं। कौन सा रेज? पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट रेज, और जिससे बहुत सारी बीमारियाँ, त्वचा की रोग, फसल चक्र का खराब हो जाना, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए इसे ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का कंबल, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ये सब कहा जाता है, आर्मर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है।
हमें बस एक ही चीजों से मतलब रखना है, क्या 16 सितंबर 1987 से मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद से हम क्या मना रहे हैं? विश्व ओजोन दिवस। बस इतना ध्यान रखिए, कल हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे फिर 17 सितंबर का क्या महत्व है उसको लेकर। और याद रहे कल क्या था, यानी 15 सितंबर को विश्व अभियंता सॉरी नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। कल क्या होगा वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और किसके हित में, विद्यार्थियों के हित में इसे जहां तक हो सके शेयर करिए, स्प्रेड करिए फॉर फ्री एजुकेशन। आप लोगों ने हमें समय के साथ शिक्षक बनाया है, अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अब शिक्षा को निःशुल्क रूप से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, आपकी सेवा में निरंतर बना रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।